नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विनय तिवारी एक बार फिर आपके परिवार एसएससी अडार 24/7 में हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई को बेहतरीन तरीके से कर। आप सभी साथियों को मेरी तरफ से राधे राधे, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सभी लोग, एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल जाइएगा। हाँ, खुश रहो बेटा, सूरज खुश रहिए, आशीष जाट रूपाली, हाँ, फ्यूचर आर्मी आशीष जाट लखपति, हाँ शिव, सभी लोग आ जाइए। राजा जायसवाल, अनुराधा बेटा, चार चीजा, हाँ जी चंदन, सभी लोग आ जाएंगे। हाँ, जिससे हम लोग कर सकेंगे। तो कैसे हैं आप सभी लोग, एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूल जाइएगा। ऑडियो शायद थोड़ा कम आ रहा हो, मैं उसको अभी ठीक कर दे रहा हूँ। बाकी तो सब कुछ सही है ना बेटा। दिल्ली पुलिस का फाइनल रिजल्ट आ गया है, क्या हुआ है आउटपुट? दिल्ली पुलिस का जो है फाइनल रिजल्ट अभी अभी आया है, तो कितने लोगों का नाम है उसमें बताओ मेरे शेरों। यस, तो चलिए तो शुरू करते हैं आज के इस धुआंधार सेशन को। सरस्वती माता का आशीर्वाद ले लीजिए। और बेटा आज मैं आप लोगों को बता दूं, जितने भी लोग डीट प्लस एसबी के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो बेटा, Y461 इस कूपन कोड का इस्तेमाल करने पर बेटा आप लोग को जो ये बैच ₹1750 का मिल रहा था, आज आप लोग को मिल जाएगा मात्र ₹1350 में। मात्र ₹1350 में आप लोग को डी ट्रिपल एस एस बी के बैचेस मिल जाएंगे, एस एस सी महापैक पर डिस्काउंट। तो बेटा आप लोग जाओ, इस कूपन कोड का इस्तेमाल करो, 82% का डिस्काउंट प्राप्त करो। एस एस सी महापैक आज आपको ₹2650 का मिल जाएगा। सारी बात तो आप लोग इसका बेनिफिट उठा लीजिए। खैर चलिए शुरू किया जाए, शुरू करें आज के सेशन को। तो देखो बेटा 81% और +1% ऐप, तो मतलब 82% का डिस्काउंट आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते है। तो शुरू किया जाए आज के सेशन को काउंटिंग ऑफ फिगर के। तैयार हैं आप लोग क्वेश्चंस को गोली मारने के लिए? पहला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर ये रहा, पहला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर आ चुका है, निकालिए और बताइए। नो ऑप्शंस ओनली क्वेश्चन आप लोग को आंसर देना होगा यहां पर, ठीक है? यस, चल जल्दी जल्दी निकालिए, बताइए इसका क्या आंसर बनेगा। आपको बताना है दी गए आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने। ठीक है 24 पक्का आ जाओ यहां पर देखते हैं बेटा। 24 बता रहे हैं आप लोग, देखो सिंपल है, आप लोग को पता है 1, 2, 3 और 4 यहां से कितना बन जाएगा 8, 1, 2, 3, 4 यहां से कितना बन जाएगा मेरी चीतों 8 और 8 16, तो हमारे यहीं से बन गए, ठीक। उसके बाद आप लोग को मैंने एक बात बहुत अच्छे से सिखाई है कि जहां पर ऐसे ट्रायंगल्स एक साथ आते हैं वहां पर सीधे सीधे 2 लिख देना उस लाइन पर जिस लाइन से स्ट्रक्चर जोड़ा गया है, सीधे सीधे 2 लिख देना उस लाइन पर जिस लाइन से स्ट्रक्चर को जोड़ा गया है। तो इसका मतलब जो ट्रायंगल है वो देखो 8 ये हुए प्लस 8 ये ऊपर, 8 यहां से 8 8 16 और ये वाला 2 18 18 के बाद इधर देखो 1 और 2 यहां से कितना बन जाएगा 3, तो 18 और 3 ये देखो प्लस यहां से 1 और 2 यहां से भी कितना बन जाएगा 3, यहां पर भी 3, फिर प्लस। अब उसके बाद अगर थोड़ा सा और ध्यान दो, ये देखो इस लाइन को अगर मैं यहां से ऐसे ले जाऊं यहां तक, तो 1 इधर से बनेगा और 1 इधर से बनेगा, तो 2 यहां से और बन जाएंगे, 2 इधर से और 2 ऐसे ही यहां से, तो 4 और लिख लो यहां पर। अब टोटल कर दो आपके ये बन रहे हैं, तो देखो 8 8 16 2 18 18 4 22 22 और 6 कितना हो जाएगा 22 और 6 28 विल बी द फाइनल आंसर, 22 और 6 28 विल बी द फाइनल आंसर। हाँ अनुराधा बिल्कुल सही है, हाँ
औरा बेटा बिल्कुल सही है, सभी लोग का निलिशा, अनुराधा, सोनिया, लखपति, लीजा, नेहा राजपूत, अक्की, अर्पिता, मुस्कान, जशन, सभी लोग का मेरे दोस्त प्रीतम, सब लोग का परफेक्ट है धोनी। यस क्लियर है सभी लोग का। तो इसका आंसर 28 जितने लोगों ने बोला है वो सारे मित्र बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर ये रहा, थोड़ा सा ब्लर होगा बट दिख रहा है ना। चलो जल्दी जल्दी सब लोग मिलकर के वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, जिन्होंने अब तक लाइक नहीं किया है, जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है एक बार लाइक कर दे, और जिन्होंने अब तक सेशन को शेयर नहीं किया है शेयर कर। निकालिए अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर, 28 वाले सही है। कितना आएगा? जब मेजॉरिटी कह रही है सर इसका 28 आएगा, श्योर है? देख लो आ जाओ देखते दिखाया जाए। 1 2 3 4 इससे कितना बन जाएगा 8, यहां से भी कितना बन जाएगा 8, और यहां से भी कितना बन जाएगा 8। तो 8 8 16 8 3 24 यहां तक कोई दिक्कत है? तो ट्रायंगल बराबर कितना हो जाएगा 8 + 8 + 8, तो 8 3 24। हाँ एस नागम या निगम क्या नाम है, यस पक्का यही आएगा, सोच लो दोबारा मौका नहीं मिलेगा। हाँ, एक बार अपॉर्चुनिटी दे दी है, बार बार अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी चीजों को करने की, बार बार अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। तो ध्यान से देखो 8 8 16 8 3 24 हो गया, 24 के बाद देखो 2 यहां से बन जाएगा, मतलब एक ये वाला और एक ये वाला, और उसके बाद 2 यहां बन जाएगा ऐसे 2 इस पर, तो 4 और लगा लो, तो 2 और प्लस 2 तो कितना हो जाएगा 8 3 24 और 4 कितना हो जाएगा अगेन 28 विल बी द फाइनल आंसर। 28 जितने दोस्तों ने बोला है वो सब लोग परफेक्ट जवाब दे रहे हैं, और 28 पिछला भी और 28 ये भी दोनों सही हैं आप लोगों के, ठीक है। और बेटा अगर आप आज Y461 कोड लगाकर कोई भी बैच परचेस करते हो तो आपको उसके ऊपर मिल जाएगा 82% का डिस्काउंट। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर निकालिए और बताइए जल्दी जल्दी, सभी दोस्त निकाल करके बताएंगे इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा। बताइए ये पर्दा हट रहा है, देख रहे हो ना, पर्दे के पीछे क्या है, पर्दे के आगे क्या है? चलो हाँ नीलिशा जल्दी से बताओ, 22 मेजॉरिटी कह रही है सर 22 लगा दीजिए, और 22 ही कहना चाह रहे हो, सोच लो दोबारा मौका नहीं मिलेगा, एक बार जो आपने आंसर लगा दिया वही आंसर सही माना जाएगा। चलो मेजॉरिटी कह रही है सर 22 लगा दीजिए, तो चलो देखा जाए 22 है या नहीं है। देखो 1 2 3 4 यहां से कितना बन जाएगा बेटा 8, 8 यहां से बन गया, सेम यहां पर देखने की कोशिश करो, तो यहां 1 2 3 4 यहां से भी कितना बन जाएगा 8, 8 और 8 कितना हो गया मेरे चीतों 8 और 8 16 हो गया, तो ट्रायंगल बराबर कितना हो गया 8 और 8 16 हो गया, 8 और 8 कितना हो गया 16 हो गया, तो ट्रायंगल बराबर 8 और +8 16 + 16 तक कोई दिक्कत हुई नहीं। उसके बाद आपको पता है कि जहां ये ट्रायंगल मिलते हैं वहां पर 2 बड़े ट्रायंगल्स बनते हैं, तो 2 ट्रायंगल यहां बन जाएगा, देखो कैसे, एक ये वाला और एक ये वाला बन गया, तो 2 हमने और जोड़ दिया, 16 2 18 के बाद ये 19 ये 20 ये वाला 21 और ये वाला 22, तो 4 और जोड़ दो, तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है मेरे शेरों, 22 विल बी द फाइनल आंसर। चलो निकालो और बताओ अगले प्रश्न का क्या आंसर आएगा, त्रिभुजों की संख्या निकाल करके बतानी है इस आकृति में।
जल्दी जल्दी बताइए, निकालिए और बताइए। चलो आ जाओ, देखा जाए। मेजॉरिटी कह रही सर 40 लगा, मेजॉरिटी कह रही सर 40 लगा, आओ 40। चलो देखें 40 है भी या नहीं। यहां से 8 बनेगा, क्लियर है? देखो 1 2 3 4, 4 2 8, 8 यहां से, 8 यहां से, 8 यहां से, 8 यहां, 8 चौके 32 हो जाएगा। ट्रायंगल बराबर 32 प्लस, मैंने अभी आप लोग को बताया कि जहां ऐसे दो स्ट्रक्चर जिस लाइन से जुड़ते हैं सीधे उस लाइन के ऊपर 2 लिख देना, सीधे उस लाइन के ऊपर 2 लिख देना। तो इसके ऊपर 2 लिखो, 2 2 2 2, 8 यहां लिख दो। 32 और 8 कितना हो गया? 40 हो गया। 32 और 8 कितना हो गया? 40। उसके बाद अभी आपने इसको मिलाया, इन दोनों को मिलाया, इन दोनों को मिलाया, इन दोनों को मिलाया। अब अगर हम इन चारों को मिला दे तो ये देखो 1 2 2, यहां से ऐसे ही 3 और 4 और जोड़ लो, तो 32 8 40 और 4 कितना हो जाएगा? 44 विल बी द फाइनल आंसर। 44 विल बी द फाइनल आंसर, 44 विल बी द फाइनल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकालिए और बताइए, इस दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? गलत हो गया भैया, 40 वालों ने ये जो बड़े वाले चार ट्राइंगल्स थे इनको नोटिस नहीं किया, नजरअंदाज किया। अब बेटा किसी को नजरअंदाज करोगे तो भैया वो तो तुमसे ऐसे ही बदला लेगा। कितने हैं? 15, ओके, 16, ओके, और 15 या 16, दो आंसर आ रहे हैं सर। कुछ लोग 16 कह रहे हैं, कुछ लोग 15 कह रहे हैं, और कुछ लोग 9 कह रहे हैं। बेटा 9 तो ऑप्शन में ही नहीं है, हाँ गलत नहीं करना है। चले जल्दी से निकाल करके बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर बनेगा मेरे से। 16 विल बी द फाइनल आंसर, चलो देख लेते हैं। 14 भी आ रहा है, 13 नहीं है, चलो एक ऑप्शन तो काट दे रहा हूं, कम से कम चलो 13 कोई नहीं बता रहा है। और जबकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो इतनी बार एग्जाम में आ चुका है ना, जिसकी कोई गिनती नहीं, बहुत बार पूछा जा चुका है, रह रहे के अभी भी कई एग्जाम्स में आ ही जाता है। एक आध सेकंड आओ, इसको करने का मैं बिल्कुल बेस्ट मेथड सिखा रहा हूं। देखो कैसे, अगर मैं इसको यहां से यहां तक और फिर ये वाला ट्रायंगल, तो ये 1 और 2 यहां से कितना बन जाएगा? 3, बोलो हाँ, क्लियर है ना? 1 और 2 कितना बन जाएगा? 3। अब इसको अगर मैं यहां से ऊपर तक लेके जाऊं तो फिर ये होगा 1 4, और 1 ये वाला बन जाएगा 5। तो टोटल कितने, इस एक लाइन को नीचे से ऊपर तक डालने में कितने बने? 5। जैसे जब ये वाली लाइन डालेंगे तो इससे भी कितने बनेंगे मेरे दोस्तों? तब इससे भी कितने बनेंगे? 5। और जब ये वाली लाइन डालेंगे तो इससे भी कितने ट्रायंगल बनेंगे? फिर से बनेंगे 5। तो 5 3 15, 5 3 15, ट्रायंगल बराबर 5 प्लस
पांच प्लस पांच और प्लस पांच, पांच है पंद्रह, प्लस प्लस एक जो बड़ा वाला है जिसको हमने नहीं गिना, ये वाला सबको जोड़ दिया, तो एक और जोड़ लो तो आप लोग का आंसर बन जाएगा 16। और ये इतने अच्छे मेथड से मैंने सिखा रखा है कि जिंदगी में गलत नहीं होना चाहिए, अगर गलत हो रहा है तो फिर तो बहुत सारी दिक्कत है। क्लियर है? तो इसका आंसर बन जाएगा 16 विल बी द फाइनल आंसर। चलो अगला क्वेश्चन निकालिए। इस दी गई आकृति में आयतों की संख्या निकाल करके बताइए कितने आयत हैं। निकालिए निकालिए मेरे दोस्तों। ध्यान से आंसर करिएगा। बच गए, चलो अच्छा हुआ बच गए, 16 करके बच गए, नहीं तो 15 और 14 वालों को तो मैंने कूट कूट के घर भेज दिया है। हाँ किट्टू बड़ी जल्दी आई, कूटे तुमको, जो लेट आया उसको बाहर मुर्गा बना दिया जाए। चलिए देखिए, हाँ चलो 12, खाली 12 रेक्टेंगल्स हैं, ऐसे कैसे कर रहे हो? इक्कीस, चलो बताना शुरू करा जाए। चलो देखो, या ध्यान से देखो, पहले सिंपल एक और दो, यहां से कितना बन जाएगा? तीन, एक और दो को मिला दे तीन, ठीक है, चार और पांच, इससे कितना बन जाएगा? छह, सात और आठ, इससे कितना बन जाएगा? नौ, दस और ग्यारह, इससे कितना बन जाएगा? बारह। बताओ बारह तक कोई इशू किसी को भी? किसी को भी बारह तक में कोई समस्या आई हो तो मुझे बता। नहीं, बारह तक में कोई समस्या नहीं आई होगी। तो रेक्टेंगल इज इक्वल टू, रेक्टेंगल्स इज इक्वल टू 12 प्लस 12 के बाद, ध्यान से समझते चलो। अगर मैं एक दो को चार के साथ मिला दूं तो ये कितना बन जाएगा? एक दो को चार के साथ मिला दूं, ये एक दो को अगर मैं चार के साथ मिला दूं तो कितना बन जाएगा? हाँ ये सही, ये कितना बन जाएगा? 13वां। अगर मैं इसके साथ मिला दूं तो ये कितना बन जाएगा? 14। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को भी? यानी दो यहाँ से और बन गए तो 12 और 2 14, ऐसे सेम यहाँ से देखो, यहाँ से भी एक दो मिला, ऐसे यहाँ से देखो एक दो यहाँ से, ऐसे मतलब 8 और बन जाएंगे। तो 12 और 8 कितना हो गया? 20। 12 और 8 कितना हो जाएगा? 20। 20 तक कोई समस्या किसी को हुई हो तो मुझे बता दो पहले। अभी तक 20 तक तो मुझे नहीं लगता कहीं से कोई समस्या हुई होगी। और पूरा का पूरा एक ये वाला रेक्टेंगल गिन लो जो ये बाहर, पूरा का एक बाहर वाला, तो 20 और एक 21, तो मेरे ख्याल से तो 21 रेक्टेंगल बन रहे हैं बेटा, 21। अब 22 और 23 कहीं कुछ भी नहीं बन रहा है क्योंकि कहीं भी 20 से इंटर कनेक्टेड नहीं हो रहे हैं कोई रेक्टेंगल। 21 विल बी द फाइनल आंसर। और देखो ऐसे ही आप लोग क्वेश्चंस जो है वो गलत कर रहे हैं, ऐसे ही आप लोग क्वेश्चंस को गलत कर दे रहे हो जो कि नहीं करना चाहिए। 22 कहां से आएगा बेटा? जो 22 वाले हैं, हाँ फ्यूचर आर्मी मैन बेटा, 22वां कौन सा है मुझे वो बताओ। मैंने आपको बता दिया 12 तक पहले बने थे, फिर देखो 1 2 4 को जोड़ा 13 और फिर 1 2 5 को जोड़ा तो ये बन गया 14। ऐसे यहां बनेगा 2, ऐसे यहां बनेगा 2 और ऐसे यहां बनेगा, तो 8 और बन जाएंगे 12 और 20, और एक पूरा मिला दिया 21 ही बोले, चलो अच्छी बात है बच गए अगर 21 बोले थे, बाकी गलत। चलिए निकालिए इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी, और इसको नहीं कर पाए ना तो फिर तो सच बता रहा हूं मैं, क्या ही कहूं, नो वर्ड्स कोई शब्द नहीं है मेरे पास।
चलो आ जाओ। कितना टफ क्वेश्चन है ना, आ जाओ। एक दो तीन चार पांच, इतना टफ मतलब दुनिया का सबसे टफ क्वेश्चन ये है आपका। चलो अगला निकालिए, बताइए। नेक्स्ट, इसमें निकाल कर बताओ दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। How many number of triangles are there? How many number of triangles are there? बचपन की याद आ गई धीरज कुमार। हाँ हाँ चलो यहां आओ। अब यहां निकालना है कि नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने होंगे। तो देखो बेटा, इसका सिंपल सा एक फंडा है, सिंपल सा एक तरीका है। क्या है? एक दो तीन चार और पांच, ऐसे पांच बने। ये कौन से हैं? वो ये वाले हैं। एक, ऐसे दो, ऐसे तीन, ऐसे चार और ऐसे पांच। पांच ये हो गए। अब इस पांच के बाद जो है हर पॉइंट पे पांच और बनेंगे। यहां से बनेगा एक, ऐसे यहां से बनेगा एक, ऐसे यहां से बनेगा एक, ऐसे यहां से बनेगा एक और ऐसे यहां से। तो मतलब पांच अंदर वाले पांच पॉइंट से बनेगा। तो ट्रायंगल बराबर पांच और प्लस पांच, टोटल कितने हो जाएंगे मेरे दोस्तों? दस विल बी द फाइनल, टेन विल बी द फाइनल आंसर, टेन विल बी द फाइनल आंसर। चलो इसको निकालो, बताओ। इस दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं? त्रिभुजों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं? जल्दी से निकाल करके बताओ मेरे दोस्तों, मेरे शेरों निकाल करके बता दो इसका क्या आंसर आएगा। हाँ बिल्कुल सही, गलत आंसर नहीं करना है। हाँ बेटा विनोद, जल्दी से बताओ फटाफट। यहां पर पूछा है दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, निकाल करके बताना है। जल्दी जल्दी निकाल करके बताइए त्रिभुजों की संख्या कितनी है। हाँ 620। हाँ अच्छा नीलाक्ष, यू आर न्यू स्टूडेंट, गुड इवनिंग। हाँ यूट्यूबर बेटा गोपाल, आज तुम हर क्लास में लेट आ रहे हो बेटा। 75 पक्का? एक आंसर आ रहा है सर, 75 लगा दीजिए। और एक क्या, अब लगभग सब लोग चीटिंग करते हुए 75 की तरफ जाना पसंद कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। चलो आ जाओ देखते हैं यहाँ पर कैसे करते हैं। इस क्वेश्चन को पता है ना, इस क्वेश्चन का बहुत ही अच्छा सा तरीका मैंने आप लोग को सिखा रखा है, देखिएगा ध्यान से। अगर हम लोग यहाँ पर बात करने की कोशिश करें मेरे दोस्त, तो एक दो तीन चार और पांच, पांच एक दो तीन चार पांच, पांच पांच है। अब इसका मतलब सिंपल सा है, या तो आप इनको जोड़ दो, या तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 कर दो। तो 5 चार 9 3 12 2 14 और 1 15, या तो 15 यहां से ऐसे बनेगा, एक लाइन से 15। जब हमारा ये वाला बेस था तब इससे बना 15, इस वाले बेस से कितना बनेगा उससे बनेगा 15, इस वाले बेस से कितना बनेगा 15, इस वाले बेस से कितना बनेगा 15 और इस वाले बेस से कितना बनेगा 15। तो एक दो तीन चार पांच लाइनें कितनी हैं बेस की? पांच लाइनें हैं, पांच लाइनें हैं। तो 15 गुणे 5 हो जाएगा। तो ट्रायंगल बराबर हो जाएगा 15 गुणे 5, ठीक है, 15 × 75। बिल्कुल सही जवाब आ रहा था, 75। क्लियर है सभी लोग को? यस। आठ वालों को तो तोहफा दिया जाएगा। वर्गों की संख्या, नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकाल करके बताने हैं, नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकाल करके बताने हैं। हाँ सब अकाउंट नंबर दे दो भैया, आप लोग के फोन पे हो जाएंगे 100-100 पैसे, ठीक है, 100-100 पैसे आप लोग के अकाउंट में फोन पे कर दिए जाएंगे। बेटा गुलजार हालत खराब हो जाएगी, ठीक है। हाँ
आ जाओ यहां पर देखो, यहां पर अगर हम लोग देखने लगे तो वर्गों की संख्या क्या होगी, देखो यहां पर ध्यान से, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, और जब जब हम स्क्वायर्स निकालते हैं, जब जब हम स्क्वायर्स निकालते हैं उसके लिए सबसे अच्छी बात यह होती है कि अगर हमारा ये, इन्हें हम लोग रोज कहते हैं, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, रो कहते हैं, और इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, कॉलम्स कहते हैं। जब जब हम लोग नंबर ऑफ स्क्वायर निकालते हैं और अगर हमारे रो और कॉलम बराबर होते हैं तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है कि हमें रो का स्क्वायर कॉलम, मतलब जो नंबर्स हैं उनका स्क्वायर करके जोड़ देना होता है हमारा आंसर, जो नंबर्स होते हैं उनका स्क्वायर करके जोड़ देना होता है और हमारा फाइनल आंसर निकल के आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे यहां पर जोड़ दो, एक प्लस चार प्लस नौ प्लस सोलह, सोलह चार बीस दस, कितना हो जाएगा, थर्टी, तीस विल बी द फाइनल आंसर, थर्टी विल बी द फाइनल आंसर। क्लियर है, निकालिए बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। इसमें भी आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स यानी त्रिभुजों की संख्या निकाल करके बतानी है। और बेटा आज आप लोग सभी लोग, आज अगर आप किसी भी बैच से जुड़ते हो बेटा, किसी भी बैच से जुड़ते हो, किसी भी बैच से जुड़ना है तो Y461 कोड लगा लो बेटा, 81% का डिस्काउंट मिल जाएगा बेटा, और साथ ही साथ आप लोग को मिल जाएगी डबल वैलिडिटी मिल जाएगी बेटा। तो जितने भी हमारे DSSSB के छात्र हैं वो बेटा जुड़ सकते हैं, जितने हमारे अगर मैं बात करूं तो CGL CHSL की तैयारी करने वाले छात्र हैं वो जुड़ करके तैयारी शुरू कर सकते हैं। ये इधर पहचानवा चलो आ जाओ यहां पर देख, ध्यान से देखें और बताएं, इधर देखो, इसको ऐसे करेंगे, वन टू थ्री, तीन दो पांच और एक छह यहां से बनेगा, ऐसे इसको यहां से ले लो, यहां से एक दो और तीन, यहां से भी छह और यहां से भी एक दो और तीन, तो कितना बन जाएगा बेटा, छह छह छह, तीन बार बन गया तो छह तीन कितना हो जाएगा, अठारह, ट्रायंगल बराबर छह प्लस छह और प्लस छह, तो कितना आंसर आ जाएगा मेरे दोस्तों, आप लोग का आंसर 18 निकल के आ जाएगा। बताओ क्लियर है, क्लियर है, चलो अगला निकालो, इसमें कितने ट्रायंगल्स है, जल्दी जल्दी निकालिए और बताइए, ध्यान से देखिए और बताइए तो इसका क्या रिस्पांस आएगा। यहां पर आपको निकाल करके बताना है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे, देखो 1 2 3 4 1 2 3 4, और टोटल पूरा पूरा एक और बन जाएगा, फाइनल आंसर विल बी फाइव, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा आपका फाइनल, ऑप्शन नंबर बी फाइनल आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फाइनल आंसर हो जाएगा। आयतों की संख्या निकाल करके बताइए इसका क्या आंसर आएगा, आयत रेक्टेंगल्स कितने हैं निकालिए और बताइए, तो जल्दी जल्दी बताइए, सब लोग मिलकर के वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा जिन्होंने अब तक लाइक ना किया मेरे शेयर, और शेयर जरूर कर दिया जिन्होंने शेयर ना किया। चलो यहाँ अब पूछा है, दी गई आकृति में आयत की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी आयत की क्या संख्या है, क्या नंबर है, आप लोग को निकाल करके बता, ठीक है, चलो 1 2 3 और 1 2 3। अब आयत कैसे निकालते हैं पता है आप लोग को, आयतों की संख्या कैसे निकालते हैं याद है आप लोग को, देखो आयत की संख्या निकालने का सबसे अच्छा तरीका है, जो आपकी ये रोज हैं इन रोज को जोड़ो, तो 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा, 6, कितना हो जाएगा 6। आयतों की संख्या कैसे निकाली जाती है, तो जो आपकी ये रोज हैं इनको अलग जोड़ो और जो आपके ये कॉलम है इनको अलग जोड़ो, 1 + 2 + 3, 3 2 5 और ये कितना हो गया 6, और जो आ जाए
जो आएगा नंबर उनका आपस में आयतों की संख्या बराबर, आयतों की संख्या बराबर 6 × 6 = 36, 6 × 6 = 36 ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, 6 × 6 = 36 ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, क्लियर है। अगला क्वेश्चन दिख रहा है, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा होगा ना, चलो मैं बना देता हूं। बनाओ, ऐसे दिख रहा होगा बट फिर भी मैंने बना दिया। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकालिए, इसमें कितने हैं, 36 ही है, पक्का उत्तम बेटा, अब वो तुम्हारे बच्चे देखेंगे, तुम मत देखो। हाँ, 10 आ रहा है इसका, क्या निकालना है, वर्गों की संख्या निकालनी है। अच्छा, त्रिभुजों की संख्या भी निकाल लेना, इधर स्क्वायर्स निकाल लेते हैं, उधर ट्रायंगल्स निकाल लो, और इधर ट्रायंगल्स भी निकाल लो, दोनों निकाल लो, स्क्वायर्स भी निकाल लो, ट्रायंगल्स भी निकाल लो। आओ देखो, स्क्वायर्स की जब बात करते हैं तो सिंपल है, 1, 2, 3, 4 और एक ये पूरा 5 ही, और प्लस ऐसे बाहर से भी 1, 2, 3, 4 और पूरा का पूरा 5 ही, 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10 विल बी द आंसर यहाँ पर, और 10 स्क्वायर्स है। और जब हम ट्रायंगल्स की बात करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 × 16 यहाँ से, तो 16 और 16 बाहर से, 16 और 16 × 32 will be the final answer. 32 will be the final. निकालिए त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करके बताइए बेटा, जल्दी से सारे लोग निकालिए और बताइए। बताइए बेटा, 15 श्योर है, दोबारा मौका नहीं मिलेगा, सोच लो, आंसर आ रहा है 12, 15, 16 और 13 भी आ रहा है। चलो देखो, आज देखते बताया जाए, चलो आ जाओ देखते, यहां देखो दिस वन, 1 और 2 और 3 तो यहां से कितना बन जाएगा, 6, 1, 2, 3 कितने को लिया मैंने, ये 6 हो गया, ये वाला 7, ये वाला 8, ये वाला 9 और ये वाला यहां से यहां तक 10, ये वाला 11 और ये वाला है 12 और ये पूरा का पूरा है 13। बताओ यहां तक कोई दिक्कत, 13 तक कोई इशू नहीं हुआ ना, 13 के बाद देखो, 13 के बाद एक ये वाला है, हाँ, 13 के बाद एक ये वाला है ऊपर,
14। अब उसके बाद 14 तक क्लियर है, देखो आपके सामने है, 1, 2, 3 से बना 6, ये 7वां और ये 8वां, फिर ये वाला 9वां और ये बड़ा वाला 10वां और ये वाला 11वां छोटा वाला, ये वाला 12वां, एक पूरा 13वां हो गया, 13 तक क्लियर हो गया, और एक ये ब्लू वाला कौन सा हो गया 14वां। 14 तक कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं। उसके बाद देखो, हाँ 14 तक अगर कोई इशू नहीं हुआ है तो 14 तक तो हम लोगों ने गिन लिया, ट्रायंगल बराबर कितना हो गया 14 प्लस 14 के बाद देखो अभी भी आप देखो तो ट्रायंगल बन रहा है। 14 के बाद ध्यान से देखो तो एक ये वाला 1 और 9 को मिला दो, ये देखो 14 के बाद ये वाला देखो 15, ऐसे ये वाला बन जाएगा आपका 16, ऐसे एक ये वाला बन जाएगा 16 तक बन गया 16। अब इन तीनों को मिला दो, अब इन तीनों को मिला दो, 14 और 2 16 प्लस 16 के बाद देखो इन तीनों को मिला दो, मतलब ये वाला 1 2 एक और दो तो यहां पर देखो 14 16 16 और 2 18 प्लस, अब क्या 18 के बाद अब कोई और ट्रायंगल है जो बन सकता है? देख लो एक बार ध्यान से, और अब ऐसा कोई भी ट्रायंगल नहीं दिखाई दे रहा, तो 18 वालों बिल्कुल सही जवाब है और बाकी लोगों का मोए मोए हो गया है ठीक है, गलत जवाब आ गया है आप लोग का, तो 14 और 4 कितना हो गया मेरे दोस्तों 18, 18 विल बी द फाइनल आंसर। बताइए क्लियर हो गया? लीजा क्या आएगा बेटा? 19वां कौन सा जोड़ घूम मतलब जोड़ ले रहे हो तुम लोग? बड़ा वाला हम पूरा गिन चुके हैं, पूरा बड़ा वाला गिन चुके हैं, वो 13 नंबर है। क्लियर है ना? नेक्स्ट किया जाए। क्लियर है 18। चलो निकालिए। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर आ चुका है। अब यहां पर देखिए नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कैसे निकलता है। देखो बेटा इसके लिए अगर आपको बेस याद हो, अगर आपको बेस पता हो तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स पता चल जाए। जैसे यहां देखो 1, 2 और 3 बेस है। अगर बेस 1 हो तो 1 ट्रायंगल बनता है, बेस 2 हो तो 5 ट्रायंगल बनता है, 3 हो तो 13 बनता है, 4 हो तो 27 बनता है, 5 हो तो 48 बनता है, और यही 5 बेस तक ही पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, 5 बेस से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ये तो एक सिंपल सा तरीका हो गया। हाँ बाकी और मेथड भी है, उसमें आप इतना दिमाग मारोगे उससे अच्छा एक सिंपल सी चीज है ये, जहां 2-4 बार आपने लिखा अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो कितना बेस है? 3। 3 बेस के लिए कितने ट्रायंगल बनते हैं? 13। ये लो चुटकियों में आंसर हो जाएगा, अदरवाइज समय लगेगा। तो बहुत सारा मेथड लोग बताते हैं बट मुझे वो सारे मेथड बिल्कुल बेकार लगते हैं क्योंकि ये सबसे आसान है। अदरवाइज गिन लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, ये पूरा बड़ा वाला 10, ये वाला हो गया 11, ये वाला हो गया 12 और ये वाला बन गया। बेटा ये सब जगह फॉलो नहीं होता, 9 2 18 - 5 जो भी बताया आपको बहुत गलत बताया है क्योंकि ये मेथड सब जगह फॉलो नहीं होता है। अब यहाँ बेस कितना है? देखो यहाँ बेस कितना है 1, 2, 3, 4 और 4 बेस के लिए कितने ट्रायंगल बनते हैं? 4 बेस के लिए कितने, हाँ जल्दी से 4 बेस के लिए कितने ट्रायंगल बनते हैं बताना, तो अभी अभी बता के हटाऊं। अच्छा बेटा सूरज, चलो जल्दी जल्दी निकालो और बताओ।
कितना आसानी से बता दिए, चार कितना बन जाएगा 27। अगला देखिए, अगला देखिए, देखो यहां पर ध्यान से, एक दो तीन चार और पांच, पांच बेस का मतलब बताओ कितना समय बच गया ना, चार बेस पर 27, पांच बेस पर 48, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अभी भी कुछ लोग गिन रहे हैं, कुछ लोग 27 कह रहे हैं, कुछ लोग का 48 आ, नहीं 44 आ रहा है, कुछ का 46 आ रहा है। हाँ तुम लोग बुड़बके रह जाओगे। चल नेक्स्ट क्वेश्चन। और बेटा आज आप लोग को जो ये 82% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, 81% और प्लस 1% का कॉइन, जो आपको ये डिस्काउंट मिल रहा है और साथ ही साथ आप लोग को डबल वैलिडिटी वैलिडिटी मिल रही है बेटा, आप सब लोग इसका फायदा उठा लीजिए। ये आप लोग का 26 जनवरी के उपलक्ष्य में आप लोग को दिया जा रहा है, 26 जनवरी के उपलक्ष्य में ये डिस्काउंट, ये ऑफर दिया जा रहा है। ठीक है, चलो यहां देखो, एक और दो यहां से कितना बन जाएगा, तीन, है ना। यहां देखो, एक और दो यहां से कितना बन जाएगा, तीन, तीन और तीन छह बन जाएगा। क्लियर है? तो देखो ट्रायंगल बराबर कितना हो जाएगा, तीन प्लस तीन छह प्लस छह सात आठ नौ दस, दस हो गया। फिर एक ये बनेगा 11, हाँ, और एक ये बनेगा 12, फिर एक ये बनेगा 13, फिर एक ये बनेगा 14। तो 6 के बाद 6 4 10 और 4 कितना हो जाएगा 14 विल बी द फाइनल एंड। अब इसके अलावा और कोई भी नया ट्रायंगल या एक्स्ट्रा ट्रायंगल नहीं बनेगा। गॉट इट माय पॉइंट मेरे सिरो? गॉट इट, आई थिंक सब लोग को गॉट हो गया होगा, सबने समझ लिया हो। निकालिए और बताइए इसका क्या आंसर है, जल्दी जल्दी निकालो और बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर बनेगा मेरे दोस्तों। नौ, चलो यहां देखो, एक दो और तीन, अब ये बाहर वाला चार, ऐसे ही पांच छ सात आठ और ये वाला नाइन विल बी द फाइनल। क्लियर है? चलो एंड दिस इज योर लास्ट एंड HW क्वेश्चन, आज का ये आप लोग का HW का क्वेश्चन था। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा सारे। ठीक है बेटा, अगर आप लोग बेटा आप तैयारी करना चाह रहे हो अच्छे से, चाहे वो आपका DTSSB की तैयारी हो, चाहे आने वाले 2024 के SSC CGL और CHSL की तैयारी हो, आप बेटा Adda247 की वेबसाइट पर विजिट करिए या Adda247 की ऐप डाउनलोड करिए। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर पहुंचोगे आप लोग को DTSSB के बैच पर भी प्राइस ड्रॉप हो गया, सब पे सभी पे प्राइस ड्रॉप हो गया। यहाँ देखो ऑल कोर्स, यहाँ SSC, जैसे यहाँ पहुंचे देखो ये, अगर मैं आपको GD की टेस्ट सीरीज भी दिखाऊं, GD पे पहुंचे और स्क्रॉल देखो, सब पे डबल वैलिटी लिखा हुआ आ रहा है ना। यस, अगर मैं इसके टेस्ट सीरीज पर भी जाऊँ, देखो ये टेस्ट सीरीज, यहाँ बाय नाउ पर जाइए और यहाँ सिंपली आप मेरा कोड Y461 और S लगाएंगे तो जैसे अप्लाई करेंगे, ये देखो आज ये टेस्ट सीरीज जो अभी आप 99 रुपए की ले रहे थे, वो टेस्ट सीरीज भी आज आप लोग की 86 रुपए की हो गई है, Y461S, जो आप लोग की टेस्ट सीरीज भी अभी GD की कितने की मिल रही थी, 99 की, अब वो टेस्ट सीरीज
मात्र 86 रुपीज की मिल रही है आप लोग को। तो आप अगर टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो ये जाकर के तुरंत ले लो बेटा, देर मत करो, इसका बेनिफिट उठा लीजिए। सेम इसी तरीके से जितने हमारे डी ट्रिपल एस एस बी के छात्र हैं उनके लिए तीन अपॉर्चुनिटी आ चुकी है बेटा। कौन कौन सी देख लो, एक एम टी एस भी आने वाला है, हाँ, एक आपका ये डी ट्रिपल एस एस बी ग्रेजुएशन वाला है, ये ग्रेजुएशन वाला है, यह आपका ट्वेल्थ वालों के लिए है और यह आपका टेंथ वालों के लिए। देखो बेटा आपकी इन सारे बैचेस पे देखो, अभी यहाँ पर आप 1900 रुपए तक प्राइस होता था ये देखो, और ये हम आप लोग को आज आप लोगे तो ये आप लोग को मिल जाएगा कितने में, 1450 रुपए। सोचो मात्र 1450 रुपए में अगर आपको ये सब कुछ मिल रहा है या उससे भी कम है बेटा। अभी रुक जाओ, पहले अप्लाई करके दिखा देता हूँ। देखो यहाँ गए, बाय नाउ पे क्लिक किए, जैसे अप्लाई करने गए यहाँ पे Y461 से अप्लाई किए, ओफो ये तो उससे भी कम गया। Y461 कोड लगाते ही ये आप लोग को मिल जाएगा 1350 रुपए में, जैसे ही आप ऐप का कॉइन लगा लो। सोचो 1350 रुपए में अगले दो साल के लिए डी ट्रिपल एस एस बी का ऐसा कोई दूसरा एग्जाम आएगा अगले दो साल में तो इसमें आप लोग को इस बैच से ही हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो बस आप लोग को कूपन कोड प्लस ऐप कॉइन से लगा लेना है, प्लस कूपन कोड और ऐप कॉइन से लगा लेना है, समझ गए। तुरंत जाकर के बेटा इसका बेनिफिट ले लीजिए, समझ गए सारे लोग। और एमटीएस वाला ऐसे ही 990 रुपए का मिल जाएगा डी ट्रिपल एस एस बी में। ये दोनों बैच आपके 1350 और ये 950, इसका बेनिफिट ले लो बेटा। और डबल वैलिडिटी भी मिल रही है 29th of January से क्लासेस, न्यू क्लासेस स्टार्ट है, न्यू क्लासेस जो है वो स्टार्ट है। ठीक है, सेम ऐसे ही रेलवे के एग्जाम करना है, रेलवे में एएलपी की वैकेंसी आई है। देखो अभी खाली एएलपी का बैच आप लेते तो 954 दिखा रहा है, और सबसे अच्छी चीज महापैक, अगर महापैक ले लिया रेलवे का तो सब कुछ है। खैर अगर एएलपी के बैच से जुड़ना है, बाय नाउ पे जाए, यहाँ मेरा कोड लगाइए Y461 और इसे अप्लाई करेंगे, जैसे अप्लाई करेंगे 860 हो रहा है, 790 रुपए का आपको ये मिल जाएगा। ऐप के कॉइन्स और लगा लेना, 790 रुपए में बताऊं आपका पूरा कंप्लीट एएलपी का बैच आप लोग को मिल रहा है। पॉइंट समझ रहे हैं ना। तो सेम इसी तरीके से अगर एसएससी में एसएससी का महापैक ले लिया तो मतलब सारे एग्जाम्स इसके अंदर कवर हैं बेटा एसएससी के अंदर। बाय नाउ पे जाइए, यहाँ जैसे आप मेरा कोड Y461 अप्लाई करेंगे, आप लोग को ये 2599 दिखा रहा है, ये आप लोग को 2350 रुपए मिल जाएगा आज, 2350 रुपए में अगले दो साल के लिए देख लो, प्लस ऐप कॉइंस, समझ रहे हैं, 2350 रुपए में अगले दो साल के लिए। अब इससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं मिल सकता, फिर आप इसी बैच के लिए 2900 रुपए पे करते हो, अभी आप लोग को 2350 रुपए, 700-800 रुपए आपके बच सकते हैं। और अगले 2026 तक आपको कोई अलग से बैच नहीं लेना, 2024 ना 2025, 26 की जनवरी तक। ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।